खेत में काम कर रहा किसान आदमी भांडता फिरता नहीं है। किसान आदमी अपने खेत में काम कर रहा, सुबह ही निकल है, शाम को अपने खेत घर आता है, अपना खाना खावा, सुबह उठ के फिर अपने खेत चला जाए। किसान आदमी तो अपना काम कर रहा, ये तो लफंडर आदमी है। तो ये लफंडर है जो किसान नहीं, नहीं नहीं ये तो सुनो, तो ये तो एक एक बात मान लो आप भाई, नहीं सुनो तो भाई, जो से अपने किसान आदमी तो इस काम ने कर ही नहीं रहे। मैं किसान आदमी इस काम ने कर ही नहीं, किसान आदमी अपने खेत में काम करता है, सुबह शाम अपने काम करता है, अपनी मजदूरी के उसमें अपना काम करता है। किसान आदमी वहां दिल्ली थोड़ी जाके बैठा गया, पंचायत लगा के बैठा, किसान आदमी का टाइम नहीं है। किसान आदमी अपना सुबह शाम अपना गिल्ला करता है, अपने रोजगार के ढूंढता है, जो यहाँ सब बैठे किसान आदमी है। अच्छा दूसरी बात यह है, हमने अपना परमिट से है, हम परमिट के बारे में बात कर रहे हैं, परमिट हमारा सही सलामत हो, जो हमने और कुछ नहीं चाहता। किसान परमिट से है अपना, किसान का तो परमिट हो जाना चाहिए। गन्ने की बात हो नहीं रही आप? हाँ, गन्ने की बात नहीं, मेरे यहाँ कोई और क्षेत्र में कुछ भी हमारा शामली मिल है, इसमें कोई परमिट नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा, इसकी व्यवस्था खराब कर रखी। हमारा परमिट टाइम पे हो जाना चाहिए, किसान खुशहाल हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, डीजल भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है, पेमेंट नहीं हो रहा है, बिजली का बिल भी महंगा है, और फिर भी मैं पूछ रहा हूँ लोगों से वोट देंगे योगी को? योगी तो वोट देंगे, भाजपा है योगी से वोट देंगे। योगी भाई सुन तो ले, योगी सरकार ऐसी है जो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी, सरकार यही है, इसी सरकार का वोट गुंडागर्दी की बात है। जैसे आपने कह दिया गुंडागर्दी से नहीं चलता, योगी ने आज तो 1,00,000 रुपए हर किसान का वो जो कर्ज था वो माफ किया। आपका हुआ? मेरा हुआ। आपका हुआ? 1,00,000 रुपए मेरा हुआ। अच्छा सुनो, मेरे 3 खाते हैं, 2 मेरे बच्चों के, 1 मेरे, ठीक है, 3 खाते हैं, 2,000 रुपए आते हैं, 2,000 रुपए आते हैं, 3,000 हो गए हैं, तो मैं आते हैं तो उसमें बिजली का बिल भर लो, उसमें कड़ाई कहीं की आ रही है, उसमें कड़ाई कहीं की आ रही है, हमें 2,000 रुपए फ्री के मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ दे ही रहा, कुछ ना कुछ दे ही रहा, ले नहीं रहा, बहुत अच्छी सरकार है और इस सरकार से भाग नहीं सकते। दूसरी बात ये जो ठाई भाई टिकेत ने ये कर दिया, टिकेत का कभी लट लगा? टिकेत कहीं पिटा? आम जनता पिटती है, रोड पर बैठती है तो पुलिस उस पर डंडा चार्ज करती है, वो तो अपना जेब में भर के भाग जाता है। मैं जो मेरे बागी मूंगफली चाबू है ना, कहते हैं पकौड़ी मिलेगी, पकौड़ी मिलेगी, आपने पूरी मिलेगी, और आपने 250 रुपए सानने मिलेंगे, वे पीटते हैं, उसका कभी डंडा लगा? नहीं लगा। और वहां से पब्लिक पीटती है, पब्लिक भागती है, पब्लिक मरती है, ये टिकेत की सियासत है और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारा तो गन्ना पेमेंट, हमारी जो फसल है गन्ने की है, उस पर ही हम निर्भर हैं, हमारे बच्चे उस पर ही हैं, हमारी फीस उससे जाती है, हमारा खाना उससे खाया जाता है, लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिला। हमारे से कहा गया था कि 15 दिन पेमेंट मिलेगा, अगर हमें पेमेंट 15 दिन मिलता है तो किसान मार नहीं खाता, तेजी चाहे जितनी होती चली जाए, महंगाई चाहे कितनी हो जाए, पेमेंट टाइम से आ जाए तो आप लोग कभी मार नहीं खाएंगे। किसान ना कभी पहले मार खाया और ना आगे खाई, ये बहुत बड़ा दानी होता है, हर चीज तक दान करता है किसान, इतनी सामर्थ होती है इसमें, मेरा नुकसान कोई कितना कर लो लेकिन किसान हूँ। किसान के ऊपर और दो ही चीज है हिंदुस्तान के ऊपर, दो ही चीज है, जवान और किसान। हाँ। और जवान फौज में सब जानता है क्या होगा, और किसान भी जानता है खेत में क्या होगा, इन्हें दूसरे की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये देखिए, मामला थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, आप भी कुछ कहना चाहते थे? तो आप भी एक बात आप भी बता दीजिए, दूर से बोल रहे थे कुछ चीज़। जैसा गन्ने का वादा किया था हमारे, 15 दिन पेमेंट हो जाएगा भाजपा सरकार ने, हमारा वो नहीं हुआ, 5 साल में हमारा कोई पीछा नहीं बढ़ा गन्ने का, बताओ कोई बढ़िया हुआ? तंगी है वो उठ दिया। अच्छा, जिसके नौकरी पैसा नहीं आता कहीं तो बैठते, वो बहुत दुखी काश्तकार, छोटे काश्तकार है, पेमेंट हो नहीं रहा और वो तंगी है, फायदा कहाँ हो रहा है? नहीं इन पूछ के तो देख, 2,000 पुल्ले में पूरे पट देंगे मेरे, छोटा बोला ना, बिल देख ले के भाव हो रहा है, इनके जरूर है मेरे जी, तो पूछ के देख, जिसका नौकरी नहीं आ रही पेमेंट पे निर्भर हूँ, अगर वो नहीं मिलेगी कहाँ खाओगे हम? सरकार मेरे लिए जी बढ़िया है, जो हमारा कुछ हो जाए, पहले पेमेंट देख लो, पिछली सरकारों में कितने दिन में आता था पेमेंट आपका? पहले तो 15 दिन आ जाता, पिछली सरकारों में तो कांग्रेस में 15 दिन पेमेंट होता है, इस मिल का हमारा शामली का
15 दिन में पेमेंट हाँ जी कांग्रेस में 15 में होता कोई पूछो बाबू जी तो पूछो मैं पिटी है तो मच्छी और फिर नगर जोर रही उस पर कुछ वो नहीं हुई खास असली मुद्दा मारा है हमने पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए पेमेंट मिल जाए बाकी सब सही चल रहा है हाँ सही तो फिर आप कोई चल जाएगा जी पीस आ जाएगा ये तेल पर ही घटना चाहिए जो पहला था तेल देख लो के बाहर बिजली का बिल देख लो रोज आ जाएगा गाड़ी वाले एक दो बिल तो बिजली तो पहले बताते हैं 8 घंटे बिजली आती थी अब बिजली आती 18 से 22 घंटे यहाँ कहाँ है रे 22 घंटे कौन सा बताओ बताओ मैं तो खेत की बताओ नहीं यार खेत में तो 8 ही घंटे है पैसे देने पड़े नुआ में 18 घंटे पहले नहीं देने पड़ते पहले नहीं पहला विभिन्न थी पहला वही आती थी ना नहीं आती अब आती है तो पैसे देने पड़े पैसे देने पड़े जितने चला एक बात तो बताओ आप बारिश चल रही कई बिल ट्वेल्व चलाई नहीं बिल देना पड़ेगा हमने पेमेंट मारा उतना नहीं एक समस्या है ये तो है देखिए समस्या बताओ क्या करेंगे हम इब जैसा भी भाई बोल रहे थे तो तनखा बिन्ने के इलाज है पेमेंट 2 साल में हो जाएगी मेरे जी तक पूछ के दे बीजेपी के भगत होंगे नहीं बीजेपी का तो मुझे भी उसकी वोट दी थी कोई आदमी ने बोला लो ना दी हो अब आगे किसको देंगे आगे तो उस देगा जो सही चलेंगे तुम्हारा पेमेंट होगा चलेगा कौन चलेगा भाई अजमा के देखा दूसरी सरकार देख लेंगे अजमा के पहले ही अजमा के देख ले 5 साल सारी देखी तो होंगे अजमा के अब से पहले ये सब बन चुके हैं अब किसको अजमाएंगे नए किसको लेंगे कुछ पता नहीं देखेंगे तो टेम है क्यों कह दो जुटो योगी जी तो इतने दिन पहले मैं अच्छा थोड़े दिन पहले कहेंगे हाँ थोड़े दिन पहले कहेंगे अगर हो सके कुछ सुनवाई हो जाए मेरी कहेंगे जरूर लेकिन कहेंगे थोड़े दिन में कहेंगे दोबारा आऊंगा तो फिर कहेंगे हाँ फिर कहेंगे जो सही सरकार सरकार बढ़िया है अगर किसान की तरफ देख रहे ध्यान देना थोड़ा सा किसान की तरफ ध्यान देना तो सरकार बहुत बेहतरीन है बहुत बढ़िया चलिए हालांकि यहाँ पर किसान यूनियन के भी लोग बैठे हैं और अकेले फंस गए हैं शायद लोगों में आज है ना आज नहीं मैं रोज ही नहीं फंसा रहा हूँ तो ये रोज धोते होंगे आपको और गेर गेर के धोवा मुझे अभी एक तो लफंडर भी कह रहे थे कुछ देखिए नहीं देखिए अभी पीछे बोल रहे थे तो कुछ लोग इनको इनडायरेक्टली बोल गए हैं बाकी आपको क्या लगता है जी क्या मामला बनेगा 22 में इलेक्शन होगा योगी जी है इधर अखिलेश है ओवैसी भी आ गए हैं बात हिंदू मुस्लिम की होने लग गई है अखिलेश कहते हैं मैं इनसे बड़ा हिंदू हूँ बस सरकार तो बढ़िया है यार सरकार तो गलत नहीं है सरकार बढ़िया है सरकार बढ़िया है अखिलेश भी तो वोट मांग रहे हैं कह रहे हैं अब मैं बड़ा हिंदू बन गया हूँ इनसे सुबह 4 बजे उठता हूँ हनुमान चालीसा करता हूँ ये सब वोट तो सारे मांगेंगे भाई तो आप लोग नहीं देंगे नहीं भाई हम तो जोड़ा बढ़िया उसे देंगे तो बढ़िया योगी लगते हैं हमें तो ठीक योगी लग रहा है भाई योगी सरकार बढ़िया लग रही है हमें तो योगी बढ़िया लग रहे हैं तो वोट देंगे हाँ योगी से वोट देंगे भाई बताओ जी आपका क्या है अजी 100% मरते सरकारी यही है सरकारी यही है 100% सब वोट देंगे जम का चीची बच्चा जो उनसे पेट में पिछली योजना में जो उनसे पेट में कहते मोदी मोदी वही हाल होगा फिर भी जो पेट में थे वो मोदी मोदी कहते हैं हाँ वही करेंगे कभी वही हाल होगा वही होगा चलिए अभी हालांकि यहाँ पर खंद्रावली गांव में मैं हूँ और ये सभी लोग गन्ने की पेमेंट से परेशान हैं एक यही आपकी समस्या है बिजली का जो खेत का बिल है इनका वो भी ज्यादा आता है और ये कोई एक गांव की बात नहीं है ये लगभग मैं पिछले 2 महीने से कवर कर रहा हूँ यहाँ पे तो हर गांव में समस्या यही है कि हमारा गन्ने का पेमेंट हो जाए बिजली का जो खेत का बिल है इनको घर का बिल भी कम नहीं चाहिए खेत का बिल इनका कम हो जाए क्योंकि इनके घर का भी ज्यादा आता है मजदूर आवे इसमें तो मजदूर का हाथ फाट देगा उसे 2000 रुपए का तो 1 पैसा नहीं बढ़ा हर चीज बढ़ गई सरसों का तेल 200 रुपए जा लिया डीजल पेट्रोल सब चीज बढ़ गई गन्ने का क्या बढ़ा 5 साल में गन्ने का क्या रेट बढ़ाया मान लिया इतना बिल बढ़ा दिया कहां से देगा किसान जो छोटा किसान है ना 10 बीघे जमीन वो है उस किसान पे खेत कर घर का बिल नहीं पड़ता जी और वो अगर एक साल में दे दे देता रहे तो उसमें पट भी जाएगा अगर एक साल का गैप लग गया कितना हो जाएगा चलिए मील थोड़ा लगा रखा यहाँ मील थोड़ा लगा रखा भाई तो दो मैं तो 2000 रुपए बिन्ना हमें बिल के घर के भी और भाई घास काटने की मशीन है और पैन काट लेना बस हमें से बिल है ये 24 घंटे तो हम कोई मील लगा रखा या फैक्ट्री लगा रखी कुछ बिल लगा रखा चलिए अब हालांकि इनके जो बिल है वो ज्यादा है
लेकिन ज्यादा बिल होने के बाद भी ये लोग बाद में इनसे आप पूछेंगे सरकार किसकी बढ़िया, तो कहेंगे योगी की बढ़िया। वोट किसको देंगे तो फिर इनमें से हालांकि 98% लोग कहेंगे क्या क्या कह रहे हैं, योगी को ही देंगे। ये देखिए बिल भी ज्यादा, पेट्रोल भी बढ़ गया, गैस भी बढ़ गया, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है, फिर भी वोट योगी को देंगे। इनको लगता है कि पिछले 5 साल में जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है, अब ये लोग आराम से रात में किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। ट्यूबवेल की मोटर अब कोई उठा के लेके जाता नहीं है, पहले उड़ जाती थी है ना, ऐसा स्टार्टर मोटर केबल सब उड़ जाता था। इस तरह के मामले भी गांव-गांव से देखने को मिलते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान 9। मैं हूं रोहित शर्मा, जय हिंद।